इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट। महाराष्ट्र के नाशिक से एक दर्दनाक खबर सामने आ रही है। चार ट्रेकमैन की मौत हो गई है। नाशिक के लासलगांव और उगाव के बीच में ये घटना हुई है। इन चार ट्रेकमैन के जो नाम हैं वो इस तरह हैं, संतोष केदारे, दिनेश दराड़े, कृष्णा अहिरे, संतोष शीर्षाट। इन सब की उम्र काफ़ी ज़्यादा कम थी। जानकारी के मुताबिक ये जो ट्रैकमैन है वो पटरी के देख रेख और बाकी जो जाँच है वो कर रहे थे। अचानक से ट्रैक व्हीकल जो पटरी पर चलती है, पटरी की जांच करती है, वो सीधी रफ्तार से सामने आई, बिना किसी हॉर्न के, बिना किसी सिग्नल के और बिना किसी संदेश के वो सीधे आगे बढ़ी और इन सभी को कुचलते हुए निकल गई, जिसके चलते घटनास्थल पर ही तीन लोगों की मौत हो गई। एक को अस्पताल ले जाया गया जो गंभीर रूप से घायल था, लेकिन अब उसकी भी मौत की जो अपडेट है वो अस्पताल से सामने आई है। फिलहाल घटनास्थल पर पहुंचकर डीआरएम और बड़े अधिकारियों ने स्थिति का जायजा लिया। इस मामले में इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, इसको लेकर रिपोर्ट तैयार की जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सेफ्टी है ट्रैकमैन की, गैंगमैन की, उसको लेकर रेलवे की तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि साफ तौर पर ये सीधे पटरी पर उतरकर काम करते हैं। अगर गाड़ियों के सिग्नल काम ना करें तो इनके जान जो हैं वो जोखिम में होते हैं, और जिसका एक बड़ा उदाहरण हमने नाशिक के लासलगांव में देखा। फिलहाल इन चारों की जो मौत है वो ट्रैक व्हीकल की चपेट में आकर हुई है। अब जो रिपोर्ट है वो रेलवे की तरफ से तैयार कर सार्वजनिक की जाएगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि इनकी सुरक्षा को लेकर किस तरह के जो इंतजाम है वो रेलवे की तरफ से किए जाते हैं। कैमरा पर्सन मिलिंद सार्वे के साथ मैं अमृता दुबे, इंडिया टीवी, मुंबई। जुर्म कितना भी संगीन क्यों ना, अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना, हर रात से उठेगा पर्दा, सामने आएगी हर खबर की सच्चाई। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट पर क्राइम की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।